निर्गमन अध्याय 27, निर्गमन अध्याय 27। फिर वेदी को बबुल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना और उसकी राख उठाने के पात्र, फावड़िया और कटोरे और कांटे और अंगीठिया बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना और उसके पीतल की जाली एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। और वेदी के लिए बबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाए कि जब जब वेदी उठाई जाए तब तब वे उसकी दोनों अलंगों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है, वैसी ही बनाई जाए। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसकी दक्षिण अलंग के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो। एक अलंग पर तो इतना ही हो और उसके 20 खंभे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। और उसी भांति आंगन की उत्तर अलंग की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो और उनके भी 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो और उनके खंभे 10 और खाने भी 10 हो। और पूरब अलंग पर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो और आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो और उनके खंभे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके भी खंभे 3 और खाने 3 हो। और आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो, उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन की चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हो। निवास के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हो। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजाकर रखे। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी।